कीजिए, ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड गेट रेडी फॉर ओंकार। साई राम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। पिछली अपनी क्लास में हम स्मृति पाठ का अध्ययन कर रहे थे, आज हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। संजय वेरी गुड, आज आप दिखे हो मुझे, आपका कैमरा ऑन है, आपको मेरी आवाज आ रही है संजय? यस मैम। आपके पास किताब है संजय, संचयन है? यस मैम। है, आप पढ़ना चाहोगे? आप पढ़ोगे? यस मैम। ठीक है, आपको पता है मैं कहाँ से पढ़ना है आज? नहीं पता? ठीक है, चलिएगा। पुष्कर प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प संजय, बताएं उसको कहाँ से पढ़े हम। संजय वीडियो ऑन रखिएगा, कैमरा ऑन रखिएगा, क्योंकि फिर आपकी दुविधा समझ में आती है। वही पेज बच्चे नंबर आगे। 12, पेज नंबर 12, सेकंड पैराग्राफ। यस संजय, यस मैम। कैमरा ऑन रखिए, पढ़ना शुरू कीजिए। जानवी आप क्लास में हैं? मैम वो बुक नहीं है मेरे पास। यस मैम। संजय आपके पास बुक नहीं है? अभी हमने पूछा था, आपने कहा है मैम वो एक और है, कोई सी कोई नहीं। सी, नाम ही नहीं पता अभी तक आपको किताब का। कोई सी नाम नहीं है किताब का, प्लीज आप अपनी किताबें लेके बैठा कीजिए। ओके जानवी आप क्लास में हैं? जानवी आप क्लास में हो? परहैप्स लेफ्ट। ओके कार्तिक वर्मा आप क्लास में हैं? यस मैम। आपके पास किताब है? यस मैम। आपका कैमरा ऑन होगा? मैम कैमरा ऑन नहीं कर सकते। क्यों? मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है मैम, कैमरा ऑन करते तो। करके देखो, कोशिश करो, कैमरा ऑन करो और चैप्टर पढ़ना शुरू करो। यस गुड, वेरी गुड। संजय आप अपना माइक म्यूट करें। मैम लैग हो जाता है मैम, कैमरा ऑन करते तो फोन से। ठीक है कार्तिक, पढ़ना शुरू करो। मैम एक और बार बता दीजिए कहाँ से पढ़ना है। पृष्ठ क्रमांक 12, एक और दो, सेकंड पैराग्राफ। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाले की, दो कानों, चने वाले दो कानों से बंधी हुई धोतियां, पांच धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। ओके हम कार्तिक, लोगों
कार्तिक ध्यान से पढ़िएगा, है ना, बीच में आप स्किप कर रहे हैं शब्दों को, ठीक है, यस आगे से और कोशिश कीजिएगा, वेरी गुड। जानवी सिंह तोमर, आप क्लास में हो? ओके, जानवी के पास हम बाद में आएंगे। एकता, आप पढ़ना चाहोगे? किताब है बेटा? प्रज्ञा, आप पढ़ना चाहोगे? प्लीज यस मैम। सर। हम ध्यान से लोगों प्रज्ञा, ने ध्यान से करना, ठीक है, आराम से और ध्यान से करना। धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब चीख चीख कर अरुणा, आक्रमण किया नहीं है कि वो, खींच खींच कर है, ठीक ठीक कर नहीं है। आपने हम खींच खींच कर ही बोला, खींच कर नहीं बोला था, रिकॉर्डिंग में सुनना, ठीक है। खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा, धोती धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंट वह लड़की जिस पर चरस और टिकता है के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से, मैम डेंग से कड़ी कड़ी करके बांध दिया और तब से उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा, छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय ना था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। वेरी कुएं गुड प्रज्ञा, यस गुड प्रज्ञा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। आई थैंक यू मैम। थिंक यहाँ तक सबको समझ आया होगा। यहाँ एक शब्द जो डेंग का प्रयोग किया गया है, डेंग माने एक प्रकार का खूंटा, एक प्रकार का ना जमीन ऐसा लकड़ी का एक खूंटा जैसा जिस पर कसके रस्सी को बांधा जा सके, ठीक है, क्लियर। और कोई शब्द ऐसा है जो जानना चाहता है? मैम चरसपुर, चरसपुर का मतलब, यहाँ जैसे ना गांव में जो तेल पिरोने के लिए और बहुत सारे अन्य कामों के लिए भी एक गोल चक्करदार एक ऐसा स्टैंड जैसा बनाया जाता है जिसमें गोल घूम घूम कर उसको गोल चाक की तरह घुमाया जाता है, ठीक है, उसे चरसपुर कहते हैं। तो चरसपुर को पर जिस पर जिस जिस खूंटे पर जिस स्टैंड पर चरसपुर को टिकाया जाता है वहां पर उन्होंने क्या किया, रस्सी का अपनी धोतियों का एक छोर बांध दिया। छोर का मतलब होता है एक सिरा, एक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरे पॉइंट को पकड़कर लेखक ने कुएं में उतरने का प्रयास किया। उसको बांधा इसलिए क्योंकि भाई छोटा था, संभवतः वह बड़े भाई के वजन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए सपोर्ट के लिए एक सिरे को डेंग से लपेट कर कस के बांध दिया, क्लियर, ठीक है, चलो ओके। आप कौन पढ़ना चाहेगा और आगे? दो तीन ही बच्चे तत्पर दिखाई देते हैं। अब हम नाम लेकर बुलाना शुरू करेंगे एक एक बच्चे को। नव्या, आप क्लास में हैं? भले चैप्टर कंप्लीट हो ना हो, नाउ आई जस्ट वांट टू नो कि कौन बच्चे क्लास में हैं और कौन बच्चे सिर्फ अटेंडेंस देके गायब।
सफिया जहीर क्लास में है? नहीं है। ठीक है, ये सब अब एब्सेंट मार्क होंगे। राजवर्धन सिंह? नो। दामिनी? यस मैम। ओके ओके गुड। चित्रांशी? लेट मी की कौन कौन है कौन नहीं है? अभी सफिया जहीर नहीं है, राजवर्धन नहीं है। यस मैम। चित्रांशी तिवारी? यस मैम। ओके। एकता साहू? यस मैम। एकता का वीडियो ऑन होता है, बात करना शुरू करो तो गायब हो जाती है। साजिद? यस मैम। ओके। संजय? यस। अदिति जैन? यस मैम। अदिति जैन है। प्रज्ञा? यस। रोमेशा? यस। स्वर्णिम गोयल? यस। आर्ची साहू प्रेजेंट। अदिति साहू? यस मैम। ओके। पुष्कर प्रेजेंट। अक्षता मीना प्रेजेंट? यस। अंश चौधरी? प्रेजेंट मैम। गुड। अक्षरा मीना? यस मैम। और अक्षिता मीना? यस मैम। ठीक है, दोनों है। हेमंत? प्रेजेंट मैम। वेरी गुड। नव्या? नो। नव्या नहीं है। है नव्या? हाँ, मैंने तभी दूसरी बार आपका नाम पुकारा। नव्या, मैंने मैसेज किया था लेकिन वो अनम्यूट नहीं हो रहा था माइक उस टाइम। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप कैमरा ऑन कर सकते हैं नव्या? यदि यस, यदि यस तो फिर आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे। बाकी मुकुंद शर्मा क्लास में है? यस मैम। राघव अग्रवाल? यस मैम। ओके। प्रणव श्रीवास्तव है? प्रणव आर यू हियर? प्रणव श्रीवास्तव, अभी तो बात हो रही थी हमारी प्रणव से। चलो एक बार फिर चेक करते हैं। पूजित? यस। कार्तिक वर्मा? यस। जानवी? जानवी ओके। एनी हाउ किसी कारण से प्रणव हैज लेफ्ट द मीटिंग। जानवी? जानवी नहीं है। सफिया नहीं है। राजवर्धन सिंह नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने किससे रिक्वेस्ट किया था पढ़ने के लिए? नव्या से। नव्या, डू यू वांट टू रीड? आवाज नहीं, बुक नहीं, बुक नहीं मिल रही है। ओके, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्लास में कोशिश कीजिएगा किताब कॉपी पेन लेकर बैठे। ठीक है, ओके। आर्ची आप पढ़ोगे? किताब है बेटा? किताब नहीं है शायद। नो मैम। किताब क्यों नहीं है? किताबें क्यों नहीं आप लोगों के पास मैम? मैम वो जैन पॉइंट वाले अंकल से पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं है। मैंने शायद पिछली क्लास में कहा था कि उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। क्या आपने कहा था ना? मैंने आपसे, मुझे याद है। कहा था हमने आपसे कि जैसे अगर आपने किया होता तो आपको भी सुगमता हो। चलो केरो विषय आप पढ़िए। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा तब ध्यान से नीचे को देखा, अकली चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूछ और पूछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था।
सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से डेढ़ दो फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह डेढ़ गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक चार फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटकाकर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था, यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा, एक एक इंच जो जो मैं नीचे उतरता जाता था त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ सूझी, दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से संपूर्ण बनाती हुई लटकती रही, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं के बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर डेढ़ गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैंने रुकेंगे चक्षुश्रवा का मायने क्या है, किसी को पता है? चक्षुश्रवा मैं आंखों से सुनने वाला। वेरी गुड, आंखों से सुनने वाला। चक्षु माने नेत्र, श्रवा माने सुनने वाला। तो सांप को ऐसा कहा जाता है कि सर्प के कान नहीं होते, वह नेत्रों से सुनता है। ठीक है, सही गलत आई डोंट नो, बट ऐसा कहा जाता है कि वह नेत्रों से सुनता है। और यह भी कहा जाता है कि जो उसकी स्किन होती है वो वाइब्रेशन को महसूस करती है। ठीक है, दोनों ही बातें हैं। और एक और बात मुझे आ रही है, तो अभी आपने जो पूछा था चरसपुर, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मुझे लग रहा है चरसपुर के मायने शायद कुएं की जो घिरनी होती है वो जिस स्टैंड पर जहां टिकी होती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड चरसपुर। एक बार क्लियर कर लेना इसका मीनिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि यहाँ बताया क्योंकि जो धोती थी वो चरसपुर डेंग से बंधी थी जिस पर चरसपुर टिका होता है, इसलिए धोती से जब लेखक नीचे उतरा तो उन्होंने कहा कि बीच में धोती लहरा रही थी, यानी इन द सेंटर पॉइंट ऑफ वेल, कुएं के बीचों बीच। तो जहां पर कुएं की घिरनी होती है उस जगह को चरसपुर कहा जाता है। मैम घिरनी मतलब? घिरनी माने जिस गोल घेरे पर रस्सी हम टिकाते हैं, जब पानी भरना होता है ना तो क्या करते हैं, आपने देखा है ना कुएं के बीचों बीच एक गोल पहिया जैसा होता है जिसके ऊपर हम अपनी रस्सी को व्यवस्थित करते हैं, टिकाते हैं। अगर हम उससे नहीं टिकाएंगे तो पानी के छलकने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि फिर आपकी बाल्टी जब ऊपर आएगी तो वो कुएं के किनारों से टकरा कर आएगी और कुएं के किनारों से गंदगी और मिट्टी उसमें शामिल होती जाएगी। पानी शुद्धता से बीचों बीच आराम से ऊपर आए और खींचने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि बीच में एक पहिया लगा दिया जाता है, एक गोल है ना घेरा लगा दिया जाता है, तो उससे खींचने में सुगमता रहती है, बल का प्रयोग कम होता है,
पानी शुद्धता पूर्वक सफाई से आराम से ऊपर आ जाता है। तो एक बार क्लियर कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा चरसपुर, मैं भी देखूंगी आज, फिर हम क्लियर करेंगे। ओके बेटा डन। तो चक्षुश्रवा आंखों से सुनने वाला, हाँ आगे कौन पढ़ेगा? दामिनी आप पढ़ना चाहोगे? यस मैम। ओके दामिनी, और दामिनी के बाद पुष्कर पढ़ेंगे। पुष्कर आप हो? यस मैम। दामिनी के बाद पुष्कर पढ़ेंगे। मैं स्वयं चक्षुशवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दो तीन बातें थोड़ी व्याख्या के लिए आ रही हैं। नंबर एक, लेखक ने कहा कि शायद मैं भी चक्षुश्रवा हो गया था, जैसे मेरे कानों ने भी सुनना बंद कर दिया हो। ऐसा कब होता है? जब हमारी एकाग्रता किसी एक विषय पर इतनी ज्यादा केंद्रित होती है कि हमसे कोई क्या कह रहा है हमें यह भी सुनना बंद हो जाता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आप कोई काम बहुत तल्लीनता से जब करते हो, खास तौर से मूवी देखना, खास तौर से मोबाइल में कोई बहुत जरूरी गेम खेलना जिसमें आपके स्कोर आ रहे हों, उस समय यदि हल्की सी आवाज मम्मी लगाती है, पापा लगाते हैं, दीदी भैया लगाते हैं, तो शायद आपको नहीं सुनाई देता वह गेम, वह खेल आपके लिए एक मोहिनी सी तैयार कर देता है। मोहिनी माने मन को मोहित करने वाला। तो यह सारा जो ध्यान था लेखक का, जैसे बस वो पूरा फोकस उस सांप को देखने में था कि वो किधर देख रहा है, वो क्या करने वाला है। लेखक की इंद्रियों ने जैसे अपनी सारी शक्ति लेखक के नेत्रों को दे दी थी और कहीं लेखक का ध्यान नहीं था, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ऐसा लग रहा था कि मैंने कुएं में घुसकर जो चिट्ठियां पाने का विचार किया था, अब तो ये आकाश कुसुम लग रहा था। आकाश कुसुम, आकाश में खिलने वाला कोई फूल, आकाश में कोई फूल नहीं खिलता, लेकिन आकाश में जिस तरह के हमें रचनाएं दिखाई देती हैं, हम कल्पना कर लेते हैं यहाँ कोई फूल खिल रहा है, ऐसा पुष्प जैसी आकृति दिखाई दे रही है। तो आकाश कुसुम का मतलब होता है हमारी कल्पना से बनाया हुआ कोई पुष्प, जिसे अगर हम पाना चाहें, तोड़ना चाहें, तो वो संभव नहीं है। तो अब लेखक को ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने जो सोचा था अब वो नहीं होने वाला, अब तो प्राणों पर संकट आ ही गया है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है बच्चों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दामिनी प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। प्लीज कंटिन्यू। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मुझे सांप को साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था, लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को कैसे उठाता। दो चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने की उतरा था, हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। उस आसान पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले लेता। अब
तकसान ने वार ना किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उससे फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। जो सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। डंडे को लेकर अवलंबन माने सहारा लेना पड़ा। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं ना, लेखक की इच्छा शक्ति अब जवाब दे रही है, उसको समझ आ रहा है कि क्योंकि आप महसूस करके भी देखिए, सांप को मारना है तो डंडे को पूरी ताकत से घुमाना होगा। कुएं में इतनी जगह ही नहीं थी, इतना स्पेस ही नहीं था। और लेखक कैसे खड़ा हुआ था कुएं में? जमीन पर तो खड़ा नहीं था वो, कैसे खड़ा था? दोनों दीवारों से पांव टिकाए, कैसे भी करके खुद को बैलेंस किया था। ऐसे कैसे मारना होगा? तो अब लेखक को लग रहा था कि मारना तो संभव है नहीं। अब स्थिति बहुत गंभीर हो चली थी कि आखिर क्या किया जाए। पुष्कर पढ़िए। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की और उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी, डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। ओके, समझ आया पुष्कर? यहाँ तक सबको समझ में आया? काली बिजली तड़पी, कौन है काली बिजली? सांप है ना? सांप, यस, सांप। एकदम से सांप ने एक्शन दिखाया और डंडे के ऊपर उसने अटैक किया, डंडे के ऊपर गिरा। तो डर के मारे क्या हुआ, एकदम बिदक कर, चौक कर, क्योंकि लेखक बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, एकाग्रता से लेखक देख रहा था। और जैसे ही सांप ने एक्शन लिया तो हाथ से डंडा छूटकर गिर गया। ठीक है, आगे पढ़िएगा पुष्कर। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर तीन चार स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है, वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। पर मैं तो डंडे पर अपना विष उगल दिया था कि बेटा अभी भी सुधर जाओ, मुझे मारने का प्रयास मत करो। क्लियर, समझ आया? तो पीव जैसा, पीव यानी हमारे जख्म में जो पस पड़ जाता है पीले रंग का, ठीक है। तो सांप ने जब विष उगला तो विष कैसा था? पीले रंग का था, हल्का है ना, हल्का पीला, येलोइश। तो सांप ने जैसे अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट लेखक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। इज इट क्लियर? ओके, आगे पढ़िएगा पुष्कर। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था, उस सर्टिफिकेट की जरूरत ना थी। सांप ने लगातार फूंफू करके डंडे पर तीन चार चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूंफू और मेरे उछलने और फिर वहां धमाके से खड़े होने से छोटा भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूंफू और धमाके से टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने वाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई को आशंका, यही तक करेंगे अभी हम। तो यहाँ पर डंडा अपमानित हुआ, तो एक्चुअली अपमानित कौन हुआ? डंडा अपमानित हुआ या लेखक स्वयं? हम लेखक लेखक लेखक
क्योंकि लेखक के डंडे ने कभी हार नहीं मानी थी। उसने जब जब किसी सांप को मारने के लिए डंडे को उठाया तो मार ही दिया था सांप को। इसलिए लेखक को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था, तो आराम से हो जाएगा, मैं आराम से सांप को मार लूंगा। लेकिन जब लेखक अपने कृत्य में अपने आप को असफल महसूस करते हैं और इसी बीच सांप अपनी शक्ति का बार बार सर्टिफिकेट देता है, तो अंदर जो फूफू की जोर से आवाज आ रही थी, जो धूमधड़ाम की आवाजें आ रही थी, छोटे भाई को ऐसा लगा कि अब तो भाई का काम हो गया, भाई की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। और छोटा भाई भी छोटा भाई भ्रातृ स्नेह के कारण मन में डर भी लग रहा है, भैया से प्यार भी बहुत है, बेचारा चीख पड़ा, उसका उसकी जो हिम्मत थी वो जवाब दे गई। ठीक है, आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन आंसर समझ के आइएगा। तो अगली क्लास में क्वेश्चन जो हमें प्रश्न पूछने वो भी करेंगे चैप्टर को कंप्लीट करके। ठीक है, ओके। इस पाठ के कौन कौन से प्रश्न आप लिखेंगे वो निशान लगा दीजिए। तीसरा, चौथा, आठवां, नवां, तीन, चार, आठ, नौ, ये विशेष रूप से आप लिखेंगे, डिस्कस हम क्लास में सारे ही करेंगे। ठीक है, पढ़िएगा और समझिएगा। ओके, शांति पाठ करें। शांति 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 ही। साईराम बेटा, थैंक यू मैम, थैंक यू। साईराम मैम, साईराम मैम, साईराम मैम, साईराम मैम, साईराम मैम, गॉड ब्लेस यू, साईराम मैम, साईराम।